दोस्तों, अपने यहाँ पलटने का जो हुनर है, पलटी मारने का, वो नेताओं से बेहतर किसी के पास नहीं है, ये मैं सोचती थी। लेकिन सुधीर चौधरी ने मेरी इस सोच को गलत साबित कर दिया। आजकल सुधीर चौधरी जितने क्रांतिकारी बने हुए हैं अपने शो में, हंसी आती है देख के कि सुधीर चौधरी के ऐसे वक्त और हालात के साथ जज्बात बदल गए। सुधीर चौधरी ने एक शो किया है और उस शो की वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। दोस्तों, वीडियो में नहीं दिखा सकती आपको क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है, लेकिन इस वीडियो में क्या है वो मैं आपको तफसील से बताऊंगी, क्योंकि उसके जरिए आप समझ जाएंगे कि सुधीर चौधरी के दिल में क्या चल रहा है। और सुधीर चौधरी के दिल में जो चल रहा है, समझ लीजिए गोदी मीडिया के दिल में भी वही चल रहा है, क्योंकि सुधीर चौधरी गोदी मीडिया के सबसे स्टार प्रवक्ताओं में से, स्टार एंकरों में से एक है। दोस्तों, सुधीर चौधरी ने कल अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा देने के बाद, आतिशी कुछ तरह से नया सीएम बनाया गया दिल्ली का, उस पर एक शो किया। कोई बड़ी बात नहीं, कल तो सब न्यूज़ चैनल्स आतिशी पर ही शो कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल पर ही शो कर रहे थे। ये बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने शो किया, बड़ी बात यह है कि वो तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे, ना केवल अरविंद केजरीवाल पर बल्कि आतिशी पर भी। सुधीर चौधरी ने अपने शो में कहा, नया सीएम चुनने में केजरीवाल ने जातियों और चुनावी समीकरणों को ध्यान में नहीं रखा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि केजरीवाल नए तरीके की राजनीति करते हैं। केजरीवाल ने ये देखा कि मुख्यमंत्री के रूप में सबसे अच्छा काम कौन सा नेता कर सकता है। अरविंद केजरीवाल की सुधीर चौधरी तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, ये वही सुधीर चौधरी हैं जब दिल्ली में MCD का चुनाव जीती थी आम आदमी पार्टी, तो सुधीर चौधरी ने कहा था कि जो दिल्ली के लोग हैं वो अनपढ़ हैं। ये वही सुधीर चौधरी हैं जब केजरीवाल प्रचंड बहुमत के साथ जीते थे दिल्ली में विधानसभा चुनाव, तो सुधीर चौधरी ने कहा था कि दिल्ली के लोग तो मुफ्त खो रहे हैं, इनको मुफ्त की बिजली चाहिए, मुफ्त का पानी चाहिए, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को जिता रहे हैं। और अब देखिए, वक्त के साथ जज्बात ऐसे बदल जाए, किसने सोचा था कि सुधीर चौधरी कह रहे हैं केजरीवाल बिल्कुल अलग तरह की पॉलिटिक्स करते हैं। उन्होंने जातियों को ध्यान ना रखते हुए ये ध्यान में रखा कि आतिशी किस तरह की सीएम बन सकती हैं और केजरीवाल के बाद वो कौन सीएम है जो दिल्ली की बागडोर संभाल सकता है। आतिशी की तारीफ भी कर रहे थे सुधीर चौधरी कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हैं और केवल 12 साल के अपने राजनीतिक करियर में वो सीएम बन गई। तो वो लोग जो ये सोचते हैं कि राजनीति में बहुत वक्त खपाना पड़ता है, वो उनके लिए आतिशी की इंस्पिरेशन है कि केवल 12 साल में आतिशी कैसे न केवल अपनी पार्टी के शीर्ष पर पहुंच गई, मतलब जाहिर तौर पर एक राज्य के मुख्यमंत्री बनना कोई छोटी बात थोड़ी है, आतिशी बनी है वो। इसके साथ साथ आतिशी की तारीफ करते करते सुधीर चौधरी केजरीवाल की भी तारीफ कर रहे थे, उनके राजनीतिक सूझबूझ की तारीफ कर रहे थे कि देखिए जीतन राम मांझी को उनकी जाति देख कर सीएम बनाया नीतीश कुमार ने, इसके अलावा चंपाई सोरेन को उनकी जाति देख कर सीएम बनाया हेमंत सोरेन ने, लेकिन जाति आतिशी की नहीं देखी केजरीवाल ने। उसकी वजह भी है दोस्तों ये कि दिल्ली में जाति की राजनीति उतनी प्रभावी नहीं होती है। होती है, वो तो हर जगह होती है, लेकिन दिल्ली का जो राजनीतिक मिजाज है थोड़ा सा अलग है, मतलब पॉलिटिकल फ्लेवर इज़ डिफरेंट। दोस्तों, अब आप देखिए, अरविंद केजरीवाल बनिया जाति से आते हैं, ठीक है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कभी अपनी जाति के नाम पर वोट मांगते हैं क्या? मांगेंगे तो उनको मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि इतने बनिए भी नहीं है दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल नेता हैं दिल्ली के। ये अरविंद केजरीवाल की तो ऑफकोर्स आम आदमी पार्टी की अलग तरह की राजनीति तो है ही, लेकिन ये दिल्ली का फ्लेवर है। तो दोस्तों, दिल्ली में वो लोग भी रहते हैं जो विभाजन के वक्त से आए थे, उनको आप पंजाबी कह सकते हैं, उनकी अलग कॉलोनियां हैं। दिल्ली की राजनीति में एक वक्त में उन्होंने राज किया था, उसके बाद बड़े स्तर पर पूर्वांचल के लोग बसे, यूपी बिहार के लोग बसे, उन्होंने दिल्ली में जो पूरी पॉलिटिकल तस्वीर थी उसको बदल कर रख दी। अब दिल्ली में बहुत बड़े स्तर पर उत्तर भारत के लोग जो पलायन कर आए, उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है, इसीलिए बीजेपी ने दोस्तों मनोज तिवारी को प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था। लेकिन दिल्ली में आप केवल पूर्वांचल के लोगों का नेता बनकर या इस जाति का नेता बनकर आप राजनीति नहीं कर सकते, दिल्ली में आपको दिल्ली का नेता बनना पड़ेगा। और सच्चाई ये है कि अरविंद केजरीवाल के अलावा इस वक्त किसी भी पार्टी के पास कोई नेता नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी के पास, ना बीजेपी के पास। और शायद यही वजह है कि ये गोदी मीडिया भी समझ रहा है कि अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको अरविंद केजरीवाल ने रेफरेंडम के तौर पर बदल दिया है, जनमत संग्रह बदल दिया है। आप अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि आप मुझे वोट दीजिए तो ही मैं मानूंगा कि ये मेरी अग्नि परीक्षा है, मैंने अग्नि परीक्षा पास कर ली। इसके लिए तो अरविंद केजरीवाल की तारीफ करनी होगी दोस्तों। आज के वक्त में तो कोई चपरासी की नौकरी ना छोड़े, सरकारी नौकरी अगर लग जाए तो। लेकिन केजरीवाल ने न केवल सीएम पद का की कुर्सी छोड़ दी, बल्कि पूरा का पूरा चुनाव अपनी अग्नि परीक्षा बना दिया। हो सकता है वो चुनाव हार जाए,
तो वो उस अग्नि परीक्षा में झुलस जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये रिस्क लिया, इसमें तो उनकी तारीफ करनी चाहिए। शायद यही वजह है कि सुधीर चौधरी जैसे लोगों को भी तारीफ करनी पड़ी है अरविंद केजरीवाल की। चलिए कम से कम दिल्ली वालों ने गाली तो नहीं खाई इस पर, नहीं तो फिर न जाने क्या पता सुधीर चौधरी कह देते कि मुफ्तखोर हैं, अनपढ़ हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन। दो ऑप्शन है दोस्तों जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।